Hello student. welcome in online classes. This is a GK subject of class 5th. What is the full form of GK? GK means General Knowledge, means Saman Gyan. Today I am going to start first chapter. The topic name is Unique Q Animals. Unique Animals means Anokhi Janwar. As you know, given first क्वेश्चन रीड द क्लूज एंड राइट द नेम्स ऑफ दिज एनिमल्स टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प जोन गिवन फर्स्ट क्वेश्चन कार्निवोरस एनिमल मैमल्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका मोस्टली लिव्स इन ट्रीज एंड यूजली हंस एंड नाइट यह एशिया और अफ्रीका का मांसाहारी स्तन है जो ज़्यादातर पेड़ों पर रहता है और अधिकतर रात में शिकार करता है इस जानवर का नाम लीपॉड है जिसे हिंदी में हम तेंदुआ बोलते हैं सेकेंड क्लू दिस इज ए रिकोगनाइज बाई द ब्लैक मास्क के क्रॉस इट्स आइस एंड द ब्लैक बैंड्स रिंगिंग इट्स बूसी टेल यह अपने आँखों के चारों ओर काले छाल और पूछ पर काले पट्टीदार धारियों के रूप में जाना जाता है जिसे हम रैकुन के नाम से जानते हैं बर्ड क्लू ऑलमोस्ट एक्सटेंट दिस अफ्रीकन मैमल्स इज आल्सो कॉल्ड द रिवर हॉर्स यह एक अफ्रीकन स्तनपाई है जिसे समुद्री घोड़ा के नाम से भी जाना जाता है जो लगभग विलुप्त हो चुका है इस प्राणी का नाम हिप्पोपोटमस है जिसे हिंदी में हम दरियाई घोड़ा के नाम से भी जानते हैं फोर्थ क्लूज वन ऑफ द लार्जेस्ट डियर फाउंड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर यह उत्तरी गोलार्ध में पाए जाने वाला सबसे बड़ा हिरण है जिसे हम एल्क के नाम से जानते हैं इस और हिंदी में बारा सिंगा कहते हैं फिफ्थ क्लू नॉक्टर्नल एफिमियंस एनिमल इ हॉन्टेड फॉर इट्स फर एंड ऑयल डिराइव्ड फ्रॉम इट्स फैट यह एक रात्रि उभयचर जानवर है इसका छाल और तेल निकालने के लिए इसका अवैध रूप से शिकार किया जाता है जिसे मिंक के नाम से जानते हैं हिंदी में इसको उदबिलाव भी कहते हैं सिक्स क्लूज रेयर्ड फॉर मिल्क हाइड एंड एज ए पैक एनिमल इन टिब्बेट यह एक तिब्बती पशु है जिसे दूध के लिए पाला जाता है यह वजन में काफ़ी भारी होता है और इसे हम याक के नाम से जानते हैं जो एक प्रकार की गाय होता है सातवां क्लू सेवंथ क्लू सॉलिट्री प्लांट ईटिंग एनिमल्स विद ए शॉर्ट ट्रंक यह अपने छोटे सूर से पेड़ पौधों को खाने वाला एकमात्र जानवर है जिसे हम टपिर के नाम से जानते हैं एट क्लूज ट्री ड्वेलिंग प्राइमेट विद ए लॉन्ग स्ट्रिप्ट टेल यह मनुष्य से दूर पेड़ों पर रहने वाला जानवर है जिसकी पूँछ लंबी व पट्टीदार धारियाँ होती है जो एक बंदर की प्रजाति होती है जिसे लेम्यूर के नाम से जानते हैं thank you student next topic discuss will on next tomorrow thank you have a nice day